स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज, लालसोट। आज हम ग्रास ऑफर के सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे, परिवहन तंत्र और श्वसन तंत्र के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ग्रास ऑफर का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका डायग्राम है। इसके अंदर क्योंकि जो इसका हार्ट होता है, पल्सेटाइल हार्ट इसके अंदर होता है, जो एक ट्यूबुलर संरचना होती है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, ये वाला जो डायग्राम है इसमें ऊपर से जो हेड और थोरेक्स वाला जो रीजन है और पीछे की तरफ इसके अंदर जो एब्डोमेन वाला रीजन है, वहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक ये पल्सेटाइल हार्ट जो है इसके अंदर फैला रहता है। ये ऊपर आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये एंटीरियर अओर्टा है जो कि एक ट्यूबुलर सीधी नलिका के समान संरचना ये होती है। पीछे की तरफ जो है इसमें चैम्बर ऑफ हार्ट देख रहे हैं। ये चैम्बर जो होते हैं हार्ट के, वो प्रत्येक जो इसका सेगमेंट होता है उसके अंदर एक जो है एक सेगमेंट के हिसाब से पूरे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं। हार्ट की जो विशेषता है कि इसके अंदर जो ओस्टिया या छिद्रनुमा संरचना जो होती है वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो चैम्बर है उसके अंदर त्रिभुजाकार जो एलरी मसल्स हैं वो पाई जाती है, जो कि पूरी इसकी लंबाई में रहती है। पीछे की तरफ इसमें पोस्टीरियर अओर्टा, तो दो प्रमुख अओर्टा इसमें, एंटीरियर अओर्टा और नीचे की ओर जो है पोस्टीरियर अओर्टा, अग्र महाधमनी और पीछे की तरफ जो है पश्चिम महाधमनी। तो जो हार्ट है यानी कि जो परिसंचरण का कार्य करता है वो चैम्बर में बटा हुआ रहता है, और उसमें इसकी जो ये संकुचनशील होता है एलरी मसल्स इसके अंदर होती है, जो कि प्रत्येक चैम्बर में लगी हुई रहती है। नेक्स्ट, इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ग्रास ऑफर का, वो ओपन या लेकुनर प्रकार का, जिसको हम कहते हैं कि इसमें किसी प्रकार की कैपिलरीज और वेन्स नहीं पाई जाती, इसलिए इस सिस्टम को जो है ओपन या लेकुनर प्रकार का हम कहते हैं। इसमें जो एक सिंगल सिलेंडर ट्यूबुलर संरचना होती है, जिसको जो पल्सेटाइल हार्ट जिसको हम कहते हैं, जो मिड डोर्सली जो एब्डोमेन का मध्य पृष्ठ वाला जो भाग है उसके ऊपर ये पाए जाते हैं। यहाँ पे इसमें एक पेरिकार्डियल कैविटी इसके अंदर होती है, जो कि जिसमें कि हार्ट रहता है, हीमोसील के अंदर जो है हार्ट फैला हुआ रहता है, और इसमें एक डायफ्राम नामक संरचना भी इसके अंदर पाई जाती है। हार्ट के अंदर जो है जो ओस्टिया है ओपनिंग के लिए, वो ओस्टिया इसके अंदर पाए जाते हैं। ओस्टिया के ऊपर वाल भी पाए जाते हैं, जब जो ब्लड का फ्लो नहीं होता है तो वो वाल इन ओस्टिया को बंद कर देते हैं। दूसरा, इसके अंदर जो बहुत सारी जो एलरी मसल्स, जैसा मैंने अभी डायग्राम में आपको बताया कि जो एलरी मसल्स हैं वो पंखे के आकार की संरचना पाई जाती है, जो कि जो पेरिकार्डियल कैविटी है उसमें डायग्राम के डायफ्राम जो होता है उसके लंबवत जो है फैली हुई रहती है, जो कि ये जो जो हार्ट होता है उसके संकुचन और शिथिलन के लिए कार्य करती है। दोनों एलरी मसल्स के बीच में जो एक अटैचमेंट होता है, इसमें आगे की और पीछे की तरफ दोनों तरफ से जो है ये बंधी हुई रहती है, और जो ब्लड होता है वो जो हीमोसील है उसमें, उस ब्लड जो हीमोसील से पेरिकार्डियल साइनस में चला जाता है। तो यहाँ पे जो डायफ्राम है और जो एलरी मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रक्शन के कारण, और जो हार्ट है वो ओस्टिया के द्वारा जो है ब्लड को हार्ट के अंदर पंप किया जाता है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि उसमें वाल भी पाए जाते हैं, वाल उसके अंदर उपस्थित रहते हैं, तो जब हार्ट को पंप करना होता है तो ये वाल जो है खुल जाते हैं और उसमें जो है हार्ट में जो है पंप हो जाता है। जनरली इसके अंदर जो है ग्रास ऊपर के अंदर 7 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जैसा कि अभी आपने डायग्राम में भी देखा कि जो हार्ट के अंदर जो है 7 चैम्बर्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और जो ओस्टिया होते हैं वो लेटरल वार के द्वारा जो है बाहर की तरफ खुलते हैं। दो इसके अंदर प्रमुख रूप से जो डायफ्राम होता है
वो तीन भागों के अंदर विभक्त रहता है, इसके अंदर ग्रास ऊपर के अंदर तीन, जो एक तो होता है पेरिकार्डियल साइनस, दूसरा पेरिविसरल साइनस, और तीसरा जो होता है पेरी न्यूरल साइनस। यानी कि जो पेरिकार्डियल साइनस है उसको तो हम कहेंगे परिहृदयी कोटर, और जो पेरिविसरल साइनस है उसको हम कहेंगे परिआंत्रीय कोटर, और पेरी न्यूरल साइनस को हम कहेंगे परितंत्रिकीय कोटर। तो इस प्रकार से जो हार्ट में जो सिकुड़ने और जो सिकुड़ने पे जो कपाट होते हैं वो बंद कर दिए जाते हैं, और जो एलरी मसल्स होती है वो जो है संकुचन करती रहती है। तो जो एलरी मसल का जब सिकुड़ना होता है तो हार्ट के जो चैम्बर है वो फैल जाते हैं और उससे ओस्टिया खुल जाते हैं। तो ओस्टिया खुलने पर क्या होगा कि जो चैम्बर के अंदर जो ब्लड भरा हुआ है वो चैम्बर के अंदर जो ब्लड आ जाता है ओस्टिया खुलने पर, क्योंकि वो चैम्बर का आकार फैल जाता है, प्रकोष्ठ फैल जाता है, तो उसके अंदर जो ब्लड है वो भर जाता है। इसके बाद में जो पेरिकार्डियल जो साइनस है वो पेरिकार्डियल साइनस, जिसमें कि हार्ट भी प्रेजेंट रहता है, और उसमें एक डोर्सल सेप्टम या डोर्सल डायफ्राम जिसको कहते हैं वो पाया जाता है। तो जो पेरिविसरल कैविटी जो होती है तो इस डोर्सल डायफ्राम के द्वारा जो है ये कैविटी जो है उससे देह गुहा से पृथक रहती है, यानी कि ये बीच में एक पर्दे का कार्य करता है डायफ्राम, जिससे बॉडी कैविटी और जो डोर्सल डायफ्राम है उनके बीच में गैप पाया जाता है। इसी प्रकार से जो वेंट्रल डायफ्राम होता है तो वो वेंट्रल साइनस या जिसको हम कहेंगे पेरिन्यूरल साइनस को भी जो है पेरिविसरल कैविटी से पृथक करता है। तो पेरी जो डोर्सल डायफ्राम है वो तो पेरिविसरल जो साइनस है उसको बॉडी कैविटी से पृथक करता है, और जो वेंट्रल डायफ्राम है यानी कि जो अदर डायफ्राम है वो वेंट्रल साइनस को या जिसको हम पेरिन्यूरल साइनस कहते हैं वो पेरिन्यूरल साइनस को जो पेरिविसरल कैविटी है उससे पृथक करने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से जो ये दोनों साइनस जो इसके अंदर डायफ्राम जो इसके अंदर डोर्सल और वेंट्रल डायफ्राम उपस्थित रहते हैं, इसके कारण जो बॉडी कैविटी है वो तीन भागों के अंदर जो है विभक्त हो जाती है, एक तो पेरिकार्डियल साइनस, दूसरा पेरिविसरल साइनस, और तीसरा पेरिन्यूरल साइनस। तो इस प्रकार से इसके अंदर जो डायफ्राम है वो इसको तीन चैम्बर के अंदर विभक्त करने का कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि जो डायफ्राम है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो बॉडी के अंदर इनके द्वारा कैसे होता है। कि हम परिसंचरण तंत्र की बात करें तो जो ग्रास ऊपर का परिसंचरण तंत्र है, जैसा कि हमने पढ़ा कि जो हार्ट है वो चैम्बर्स में बटा हुआ रहता है, और चैम्बर्स में ही जो पल्सेटाइल हार्ट होता है, तो पल्सेटाइल हार्ट होने के बाद इसमें लयबद्ध संकुचन होता है, जिसके कारण जो ब्लड है वो ओस्टिया से होकर और हार्ट में चला जाता है। उसके बाद में ये जो अग्र महाधमनी होती है एंटीरियर अवोर्टा उसके अंदर भेज दिया जाता है। एंटीरियर जो अवोर्टा होती है यानी कि अग्र महाधमनी जो होती है उससे ये फिर जो ब्लड जो है सिर का जो हेड वाला पोर्शन है वहाँ पर पेरिविसरल साइनस और पेरिन्यूरल चैम्बर में चला जाता है। फिर ये वापस जो है पेरिन्यूरल चैम्बर के द्वारा टांगों में जाता है, वहाँ से पेरिविसरल में वापस लौट कर आता है, और पेरिविसरल चैम्बर से फिर ये डोर्सल डायफ्राम में जो छिद्र उपस्थित होते हैं उनके द्वारा पेरिकार्डियल साइनस में आ जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्लड का निरंतर सर्कुलेशन जो होता रहता है तो पल्सेटाइल हार्ट के द्वारा और जो एलरी मसल्स होती हैं उनके द्वारा लगातार संकुचन होता रहता है, जिससे ओस्टिया के द्वारा ब्लड चैम्बर में आता है, चैम्बर के द्वारा फिर जो प्रेशर होता है तो ये जो अग्र महाधमनी और पश्च महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों को ब्लड का सप्लाई किया जा सकता है। इसके अंदर जो ब्लड जो होता है, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें जो ब्लड होता है इसका ग्रास ऊपर का वो हिमोलिम्फ कहलाता है, क्योंकि इसमें जो ब्लड पिगमेंट होता है वो पिगमेंट इसके अंदर नहीं पाया जाता, वर्णक इसके अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए जो ऑक्सीजन का
ले जाने का जो कार्य होता है वो भी ये इसका नहीं होता, क्योंकि पिगमेंट नहीं है ब्लड के अंदर तो वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाएगा। तो जो ब्लड होता है वो स्वच्छ होता है, तरल प्रकार का होता है, एक प्लाज्मा जैसी संरचना होती है और इसमें WBC और हीमोसाइट्स भी इसके अंदर पाई जाती है। फेगोसाइट्स की तरह ये नेचर होता है इसका। तो इस प्रकार से जो ब्लड होता है उसका प्रमुख जो कार्य होता है भोजन, हार्मोन और जो एक्सक्रेटरी मटेरियल्स है उनका ये वहन करता है। और रक्त में जो है इसके अंदर ब्लड के अंदर कुछ फैट बॉडीज भी इसके अंदर पाए जाते हैं जो कि फूड संकुचन का कार्य करते हैं, भोजन के संग्रहण का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो हैचिंग है, निर्मोचन है या जो रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म है उसमें भी ये सहायक होता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की, कि जो ग्रास ऊपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो प्रमुख रूप से जो इसमें जो स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं श्वसन के लिए, तो इसमें 2 जोड़ी तो एब्डोमेन रीजन पे पाए जाते हैं और 8 जोड़ी इसके अंदर जो उधर वाला रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं, यानी कि टोटल इसमें 10 जोड़ी स्पाइरिकल्स पाए जाते हैं जिनके द्वारा वायु का आदान प्रदान होता है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि इसमें 2 थोरेकिक इसके अंदर जो है स्पाइरिकल्स हैं और बाकी जो हैं एब्डोमेन स्पाइरिकल्स इसके अंदर है। बाहर की तरफ स्पाइरिकल्स होते हैं, नीचे की तरफ ये एब्डोमिनल सैक्स के रूप में होते हैं, यानी कि छोटा जो थैलेनुमा संरचना होती है वो थैलेनुमा संरचना ये स्पाइरिकल्स की होती है जो कि बाहर की तरफ स्पाइरिकल्स के द्वारा खुलते हैं और अंदर ये एब्डोमिनल एयर सैक्स के रूप में पाए जाते हैं। यहाँ पर इसमें डोर्सल और वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक पाई जाती है, तो लेटरल ट्रेकियल ट्रंक होती है इसके अंदर, वेंट्रल ट्रेकियल ट्रंक होती है और डोर्सल ट्रेकियल ट्रंक होती है। तो ये जो महाधमनियाँ होती है ये इनसे रेस्पिरेशन का कार्य जो है पूरा होता है। अब हम जो है इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब बात करते हैं तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो ग्रास ऊपर का होता है कि इसके अंदर पूरी बॉडी के अंदर जो एक्टोडर्मल ट्यूबुल्स पाई जाती है जिनको हम ट्रेकिया भी कहते हैं, पूरा बॉडी के अंदर ट्रेकिया का जाल बिछा हुआ रहता है और इसके अंदर सिंगल लेयर सेल्स पाई जाती है जो कि क्यूटिकल के आवरण के द्वारा आवरित होती है। जो ट्रेकियल ट्यूब्स होती हैं उनमें स्पाइरल काइटिन के टीनिडिया पाए जाते हैं जो कि इसको पिचकने से बचाते हैं, क्योंकि जो जो ट्रेकियल ट्रेकिया होते हैं उसके अंदर छोटे काइटिन के बने हुए जो है स्पाइरल थ्रेड्स लाइक या संरचना होती है ताकि वो ट्रेकिया जो है पिचकता नहीं है, उससे श्वसन में बाधा उत्पन्न नहीं होती है। स्पाइरिकल्स जो होते हैं प्रत्येक साइड में जो लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल ट्रंक होती है उनसे जुड़े हुए रहते हैं और आपस में ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उसके में जो है सहायक होते हैं। ट्रेकिया के अंदर जो आगे की तरफ जो ट्रेकिया होते हैं वो ट्रेक्यूल्स में जाकर खुलता है। ट्रेक्यूल्स और छोटी महाधमनियाँ होती है इसकी ट्रेकिया की, जहाँ पर वो छोटी छोटी पतली नलिकाओं में बटी हुई रहती है और इनके अंदर ट्रेक्यूल्स के अंदर जैसे ट्रेकिया के अंदर जो टीनिडिया पाए जाते हैं वैसा ट्रेक्यूल्स के अंदर नहीं पाया जाता है। इनके अंदर जो है बॉडी फ्लूइड भर रहता है और ये बॉडी फ्लूइड जो है जो रेस्पिरेशन की जो क्रिया है उसमें सहायक होता है। जैसा कि स्पाइरिकल्स जो होते हैं वो इनके ऊपर स्पाइरिकल्स के ऊपर जो रोम पाए जाते हैं जिसके द्वारा स्पाइरिकल्स सुरक्षित रहते हैं ताकि इनके अंदर किसी डस्ट पार्टिकल्स या और कोई बाहरी पदार्थ जो है अंदर नहीं पाए जा सके, और इनके ऊपर कपाट भी पाए जाते हैं ताकि ये अपनी इच्छा अनुसार जो है स्पाइरिकल्स को खोलने और बंद करने का कार्य करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्पाइरिकल्स होते हैं पीछे की ओर एक एट्रियम या कोस्ट में खुलते हैं जो थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें ट्रेकिया का जाल जो होता है वो इसमें अटैच रहता है। ये शरीर की पूरी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ट्रेकियल्स जो छोटी श्वास नलिकाएं होती है उनमें जैसा मैंने आपको बताया कि उसके अंदर बॉडी फ्लूइड भरा रहता है और ये
गैसों के आदान प्रदान में ये प्रमुख रूप से सहायक होते हैं, क्योंकि जो तरल ऊतक होता है वही ऑक्सीजन को कैरी करके और घुलित अवस्था में या विसरण के द्वारा शरीर के विभिन्न ऊतकों को पहुंचाने का कार्य करता है, और वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस जो है अपने फ्लूइड के द्वारा लेके और आता है। टिड्डी के अंदर जो है इस तरीके की छोटी कुछ श्वास नलिकाएं जैसे होती है, जिनको हम एयर सैक्स भी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये भी परिसंचरण का कार्य करती है। टिड्डी के अंदर या ग्रास ओपर के अंदर जो इंस्पायरेशन की क्रिया होती है, जब अंतः श्वसन जो होता है, तो अंतः श्वसन में जो पेशी जो लयबद्ध उनकी संकुचनशीलता है कि जो उदर होता है उसके अंदर लयबद्ध संकुचन होता है, तो उसकी जो मसल्स भी उसमें क्रियाशील होती है, तो उनके कारण जो श्वास नली है उसके अंदर जो वायु होती है अंदर और बाहर जो है पंप करने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। तो प्रमुख रूप से जो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन दो प्रकार की क्रियाएं इसके अंदर होती है। तो जो अंतः श्वसन की जो क्रिया है उसमें पहली चार जोड़ी जो श्वसन रंध्र होते हैं वो वायु को भीतर लेने का कार्य करते हैं। तो इस प्रक्रिया में जो पहले चार जोड़ी स्पायरिकल्स हैं वो भाग लेते हैं और जो बाकी के छह जोड़ी स्पायरिकल्स हैं वो बंद रहते हैं। तो जो अंतः श्वसन है उसको हम ये इंस्पायरेटरी स्पायरिकल्स कहते हैं चार जोड़ी को, तो उनके द्वारा अंतः श्वसन होता है। और जो बहिः श्वसन की जो क्रिया है यानी कि एक्सपायरेटरी जो स्पायरिकल्स हैं बाकी छह जोड़ी जो स्पायरिकल्स हैं वो वायु को बाहर निकालने का कार्य करते हैं। तो एक्सपायरेटरी जो स्पायरिकल्स हैं, जब एक्सपायरेशन की जो क्रिया होती है बहिः श्वसन की जो क्रिया होती है उसमें ये छह जोड़ी खुले रहते हैं, जबकि जो अंतः श्वसन वाले जो स्पायरिकल्स हैं यानी कि इंस्पायरेटरी स्पायरिकल्स हैं वो इसमें बंद रहते हैं। तो एक दूसरे यानी कि अंतः श्वसन में अंतः श्वसन वाले स्पायरिकल्स खुले रहेंगे और बाहर वाले बंद रहेंगे, और जो बाह्य श्वसन है उसमें एक्सपायरेटरी जो स्पायरिकल्स हैं वो खुले रहेंगे और अंतः श्वसन वाले स्पायरिकल्स हैं वो इसके अंदर बंद रहेंगे। थैंक यू।